हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग सेम दर्शन इन अ सर्टेन रीजन। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द दर्शन ऑफ फील्ड्स, देन द इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाता है। सोल्यूशन, सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसी के अलोंग प्रोजेक्ट किया गया है ऐसे। तो ये पूछ रहा है कि पहले पार्ट में पूछ रहा है विल टर्न टूवर्ड द लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के लेफ्ट में या राइट में, किधर मोशन के लेफ्ट और राइट में। इधर टर्न करेगा ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे इधर टर्न कर जाएगा लेफ्ट में या राइट में टर्न कर जाएगा। एक तो क्वेश्चन ही है स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, दूसरी चॉइस स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। चार चॉइस दे रखी है, तो समझते हैं। देखो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है ओनली, तो उस पर जो फोर्स लगता है एफ ई वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। और जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स में मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है एफ एम क्यू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एन साइन थीटा, थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डायग्राम में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन जो एंगल है वो जीरो है। एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स तो कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि तो थीटा अगर हम जीरो रखेंगे तो साइन जीरो के लिए जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन पर केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। वैसे अगर नेट फोर्स की बात करते एफ नेट, तो लिखते हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, बट मैग्नेटिक फोर्स इसमें जीरो होगा तो नेट फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही होगा, ठीक है। चलिए तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें एफ ई वैक्टर इक्वल टू क्यू ई वैक्टर, क्यू की वैल्यू यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये क्यू पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की दर्शन सेम होती है। लेकिन अगर क्यू नेगेटिव है, जैसे यहां पे नेगेटिव है, एफ ई वैक्टर बराबर माइनस का ई, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ई वैक्टर। अब ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस वैक्टर की और इस वैक्टर की दर्शन अपोजिट है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दृश्य में लग रहा है। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दृश्य में लग रहा है ऐसे। सोचो इस वाले फोर्स की वजह से ये पार्टिकल टर्न तो नहीं करेगा भाई, मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पार्टिकल टर्न तो नहीं करेगा लेफ्ट राइट में। केवल इसकी स्पीड, अगर ये ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है और इस पर फोर्स ऐसा लग रहा है तो ये फोर्स इसकी स्पीड को घटाएगा। चाहो तो यहां पर ये लिख दो माइनस के ई वेक्टर और इसे लिख दो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ए वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई वेक्टर अपॉन एन। और यहां पर एक्सेलरेशन जो डेवलप हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स ऐसे हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में। और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की दर्शन अपोजिट होती है तो स्पीड घटती है, उसे रिटार्डेशन बोलते हैं, उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहां पर स्पीड घटेगी, ठीक है, स्पीड डिक्रीज होगी और टर्न तो करेगा ही नहीं क्योंकि केवल एक ही फोर्स लग रहा है इसमें। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।